सो गाइस यहाँ पे कोई तो आया है लॉबी में। देखो यार सेम कैरेक्टर लेकर के आ गया है। सो गाइस वेलकम टू गेमिस्ट्रेस। और आज के इस गेमले में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जैसे कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा है कि कोई गेम इस मेल में आया हुआ है, जो कि मैं अभी नहीं बताऊंगा कि कौन है। अभी जब फाइट होगी तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मुझे उतरते ही गन वन मिल जाती है। शाम की तरफ एक बंदा था जिसको मैंने अच्छा खासा डैमेज दे दिया, लेकिन ये बहुत अच्छा मूव कर रहा था और आराम से यहाँ से वो निकल जाता है। लेकिन उसकी मैंने शील्ड और एचपी बहुत कम कर दी थी, तो इसलिए मैं अभी उसके पीछे पड़ गया था। और जो बंदा यार भागने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लग रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे भागे जा रहा है। फिर मैं सोचा कि थोड़ी देर में अभी स्कैन कर लूँगा तो पता चल ही जाएगा। अब चलते हैं छत पर, अब स्कैन करके पता चल जाएगा, क्योंकि ऊपर से ही आवाज़ आ रही मुझे। तो यहाँ पर मैं छत पर आता हूँ, एक बंदा मुझे दिख जाता है, इसको मैं ग्रेनेड फेंकता हूँ और फिर यहाँ पर मैं दूसरी तरफ आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं स्कैन करता हूँ। अभी तो स्कैन करते मुझे यहाँ पे दो बंदे डिटेक्ट हो जाते हैं, एक तो सामने की तरफ से, ऊपर से पता नहीं कहाँ से आया। तो यहाँ पे मैं अच्छा खासा इसको डैमेज देता हूँ और इजीली इसको मैंने नॉक कर दिया। नॉक करने के बाद मैंने सोचा इसको डायरेक्ट फिनिश कर देते हैं, क्या पता हो दूसरा बंदा अलग स्क्वाड का। तो इसको तो मैंने फिनिश कर दिया और फिर वो दूसरा बंदा था वो बहुत चालाक निकला। तो यहाँ पर लोमड़ी की तरह से वो कहीं से छुप छुप के निकल लिया और थोड़ी देर के बाद मुझे दिखता है कि वो पीछे की तरफ से यहाँ पर गाड़ी लेकर के भाग रहा है। मैंने डैमेज देने की कोशिश करी, लेकिन मैं सोचा कि चलो यार करीब चल के उसको मारते हैं। फिर मैं उसका पीछे करते करते इधर आ जाता हूँ नो हार्बर की तरफ। तो यहाँ पर सामने कर मुझे कुछ बंदों की आहट महसूस हो रही थी। सामने एक बंदा था जिसमें ग्रेंड फेंका और इजीली वो बंदा नॉक हो गया। तो यहाँ पे ये वाला बंदा तो बोर्ड तक है, इसको फिनिश करने की सोच रहा था, लेकिन एक और बंदे ने यहाँ पे जस्ट स्नाइपर चलाई। तो फिर मैंने देखा कि एक और नॉक पड़ा हुआ, तो मैंने किल चोरी कर ली उसकी और उसको भी मैं फिनिश करना चाह रहा था, नहीं तो ये स्नाइपर वाला चोरी कर सकता था। लेकिन ये बंदा डायरेक्ट अब मेरे पे रश कर रहा था, तो देखते हैं क्या होता है इसका भी। तो ये भी बंदा बहुत जिस तरह से आ रहा था, मुझे लगा सीढ़ियों पे अभी चढ़ के आएगा ऊपर, लेकिन सीढ़े से आया ही नहीं। तो फिर मैं अंदर आ गया क्योंकि मुझे लग रहा था इधर से ही आने वाला है। तो सामने तरफ जैसा है उस पर मैंने ग्रेन फेंका और उसने मुझे एक स्नाइपर शॉट दे दिया। तो पता चलता है ये वाला भी बोर्ड था, इसीलिए इसका एम कुछ ज़्यादा ही अच्छा था, इसने एक भी एम मिस नहीं किया। जैसे कि आप लोगों को पता है यार बोर्ड वोट से मिस होती नहीं एक भाई। तो यहाँ से लूट उट करने के बाद मैं अकेला यहाँ से आगे जा रहा था, फिर पता नहीं कहाँ से मेरे टीममेट भी यहाँ पर टपक लिए। मैं भी रैंडम टीममेट्स के साथ में खेल रहा था, तो मैं जब इधर आता हूँ तब पता चलता है कि मेरे टीममेट भी अभी आके किल चोरी करने के लिए। फिर मैंने कहा यार ऐसा रहेगा तो कैसे काम चलेगा, अभी जब वो बंदा जो आया था वो अगर आ जाएगा तो उसको तो है ही लगेगा ना कि हम यहाँ पर स्क्वाड में खेल रहे हैं। लेकिन मैं तो सोलो खेल रहा था, तो यहाँ पर मैं आता हूँ इधर एक जैगर वाला मुझे मिल जाता है, तो मैं इसको अच्छा खासा डैमेज देता हूँ। यार ये भी बहुत ही निकला, क्योंकि उसने मुझे जिस तरह से मारा ना मुझे पता चल गया था यार अगर कोई बंदा होता तो जैगर से इतना अच्छा एम से नहीं मार पाता। तो खैर मैंने उसको अच्छा खासा डैमेज देकर के आराम से नॉक एंड फिनिश कर दिया था। तो अभी यहाँ पे मैं हिल विल कर रहा था, तभी मुझे दूर से एक आवाज़ आती थी गाड़ी की, फ्लेम थ्रोवर की आवाज़ आ रही थी। तो फिर मैं यहाँ पे मार्क करने की कोशिश करा, तो यहाँ पे कुछ और ही मार्क हो रहा था। खैर जब वो बंदा सामने की तरफ टीममेट की तरफ गया, वो जैगर से उसको मारने की कोशिश करा टीममेट, लेकिन यहाँ पे वो जल भूल करके ख़त्म हो गया टीममेट। तो अभी आपको तो पता चले गया कि कौन यहाँ पे एनिमी में आया हुआ है। तो बंदे को यहाँ पर मैं सोचा कि गाड़ी वाड़ी फोड़ देता हूँ, नहीं तो गाड़ी वाड़ी से जला देगा किसी ना किसी को। तो और यहाँ पे मेरे सारे के सारे जो रैंडम टीममेट थे किल चोरी करने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे थे, तो पीछे ही पड़ गए उसके। क्या जब तक ये बंदे उसके पीछे है तब तक तो मैं उसको मारूंगा नहीं, क्योंकि मैं ऐसा अत्याचार नहीं कर सकता कि एक ही बंदे पे सारे के सारे स्क्वाड रश करके मारे। तो यहाँ पे इसलिए मैं फायर वायर नहीं कर रहा था, बंदा मेरे सामने था इसलिए मैं इसको छोड़ा था। लेकिन उसने मुझको अच्छा खासा डैमेज दे दिया, फिर मैंने उसको थोड़ा बहुत यहाँ पे पीछे हटाने के लिए एक ग्रेनेड फेंक दिया। फिर मैं आराम से हिल विल करता हूँ और मैं वेट कर रहा था कि कभी मेरे टीममेट मरने लग जाए। जब ये मर जाएंगे बराबर की जब फाइट होने वाली होगी तब मैं जाकर के फाइट दूंगा, या फिर उसके कोई भी टीममेट रैंडम भी सही जो भी होंगे अगर आ जाएंगे तब मैं सोच रहा था कि फाइट दूंगा। तभी यहाँ पर रॉक्सी को किसी ने नॉक एंड फिनिश कर दिया था, और अभी पता चलता है शायद उसके स्क्वाड के रैंडम टीममेट्स भी आने लगे हैं। तो अभी मैं यहाँ पर फाइट करने वाला हूँ। तो रॉक्सी को यहाँ पर नॉक एंड फिनिश कर दिया था, लेकिन उसके पास पॉट था तो वो वापस आ ही जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लूट उट कर रहा था, फिर यहाँ पे एक और बंदा दिख जाता है, फिर इसको भी मैं अच्छा खासा डैमेज देता हूँ और इसीलिए यहाँ पे इसको भी नॉक कर देता हूँ। नॉक करने के बाद मैंने इसको फिनिश किया और अभी भी मेरे स्क्वाड में चार के चार बंदे बच रहे हैं और उनके बस दो ही बच रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो यार पहले मैं वेट करता हूँ और अपने जो टीममेट है अपनी जो दो दो बच्चाएँ तब फाइट लूँगा मैं। इसलिए मैं पीछे हट जाता हूँ और अपने टीममेट लोगों को मरने का वेट कर रहा था, एक एक करके नॉक हो रहा था गाड़ी से। और यहाँ पे मैं ऊपर बैठ करके तमाशा देख रहा था, अभी मैं फायर कर रहा हूँ जब भी मेरे टीममेट में मैंने देखा कि हम दो बच रहे हैं और वहाँ पे सामने की तरफ भी दो बंदे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक को डैमेज दिया थोड़ा बहुत, और अभी देखो बंदा पता नहीं कि मेरे पे ध्यान ही नहीं रहता। तो यहाँ मैंने इसको अच्छा खासा डैमेज दे दिया, उसकी शील्ड विल्ड ऑलमोस्ट तोड़ दी थी। और यहाँ पे टीममेट को एक और टीममेट को यहाँ पे जस्ट नॉक एंड फिनिश कर दिया गया है, और अभी हम बच रहे हैं वापस से दो। लेकिन अभी जो अपने जितने भी टीममेट थे इनके पास पॉट था, ये वापस आ के मरे जा रहे थे। तो फिर मैंने कहा चलो यार ये तो कुछ करेंगे नहीं, अब जब अब दो दो बच रहे हैं अब फाइट लेंगे, मस्त मज़ा आने वाला है अभी। तो यहाँ पे मैं इधर भी पॉट पड़ रहा था, हर जगह पे पॉट के पॉट मिले जा रहे थे और अपनी स्क्वाड में सभी के पास पॉट था, और मैंने इसीलिए उनको छोड़ रखा था कि चलो यार मरे चाहे मारे।
मेरे को क्या फर्क पड़ता जब सामने से बंदे अब दो दो बज रहे हैं तो अभी फाइट लेते हैं। एक मैंने अच्छा खासा डैमेज दे दिया और यहाँ पे बंदा सामने तरफ से आ रहा था, फिर यहाँ पे मैं इसको इजीली नॉक करता हूँ। और यहाँ पर रॉक्सी ने मुझे ग्रेनेड फेंका और मेरे को थोड़ी बहुत डैमेज दे दी। मैंने सोचा किसी न किसी क्रेट में यहाँ पर मुझे शील्ड मिल जाएगी, लेकिन मैंने क्रेट चेक करे किसी न किसी क्रेट में मिलनी चाहिए थी लेकिन मिली नहीं मुझे। तो फिर यहाँ पर मैं हिल विल कर रहा था तभी मेरे पे वापस से ग्रेनेड फेंका, लेकिन थोड़ा सा फर्क चला गया। तो यहाँ पे मेरे को कोई डैमेज वैमेज हुआ नहीं और वापस से आकर के मैंने उसको थोड़ा बहुत शील्ड में वापस से मैंने डैमेज दिया। और अभी मैंने देखा कि मेरी एचपी कुछ ज़्यादा कम हो रही है तो एचपी मैं यहाँ पर रिस्टोर कर लेता हूँ। और अभी ये बंदे जो हैं चुप चुप के खेल रहे हैं क्योंकि इनको भी कवर चाहिए ना, क्योंकि अगर खुले में फाइट लेंगे तब तो यहाँ पर आराम से लोग मार ही सकेंगे। तो यहाँ पर बंदे यहाँ पर छुप छुप के खेल रहे थे। देखो अभी रॉक्स यहाँ पर छुप के से उसने गाड़ी निकाली और आगे निकल लिया। मैं आगे से नहीं जा रहा था कि मुझे पता था यार अगर मैं आगे पहले निकल गया तो इन लोगों के पास एकदम आराम से खुले में मारने का चांस होगा, क्योंकि मेरे पास गाड़ी थी नहीं। और अभी आगे हैं तो अभी फाइट लेते हैं, हिल विल कर लेते हैं पहले, फिर सामने की तरफ बंदे उन पर रश करूँगा। मैंने ध्यान नहीं दिया था कि बंदा ऊपर बैठा हुआ है और उसने मुझको इन्वेडर से ठीक ठाक डैमेज दे दिया। और फिर मैंने यहाँ पर ग्रेन फेंका, उसको थोड़ा बहुत ही बस डैमेज हुआ। और अभी हम फाइट लेंगे तो टीममेट ने अभी डैमेज देने की कोशिश कर रहे थे, शायद उनसे कुछ हुआ नहीं, यहाँ पे थोड़ा बहुत डैमेज भी दिया होगा। तो यहाँ पे जैसे खुले में मुझे गाड़ी पे बैठते हुए मिल जाते मैं इनको आराम से नॉक एंड फिनिश कर देता हूँ। तो इसके साथ अभी इनकी स्क्वाड पूरी ख़त्म हुई, क्योंकि इनका स्क्वाड का एक और बंदा था ना जो कि अभी यहाँ पे मेरे को कोई एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा था तो इसलिए मुझे पता चल गया। तो फिर मैं इधर से थोड़ा सा आके जाता हूँ और इधर ही की तरफ से कोई फायर कर रहा था तो मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद वही बंदा होगा। तो यहाँ पर मैं ऊपर चेक करता हूँ क्योंकि अक्सर बंदे ऊपर बैठ जाते हैं, लेकिन जब बंदा ऊपर नहीं था तो फिर मैं यहाँ पर डायरेक्ट अंदर रश कर देता हूँ और उसको मैं अच्छा खासा डैमेज देता हूँ। लेकिन मेरे यहाँ पर रिलोड आ गई थी तो उस वजह से मेरे यहाँ पर किल चोरी हो जाती है। और बंदे ने मुझ पर क्या है यहाँ पर इन्वेडर का एबिलिटी यूज़ करी थी। और एम तो आप लोगों ने देखा ही हुआ कि उसका मेरे पीछे की तरफ था, अगर मेरा ठीक एकदम सामने की तरफ होता है मेरे ऊपर अगर ठीक मार देता एबिलिटी तब तो शायद मैं यहाँ पर नॉक एंड फिनिश हो सकता था। खैर मैं अभी वहाँ पे आगे आ जाता हूँ उनको मार मार करके। और अभी उनकी स्क्वाड खत्म हो गई थी और अभी अच्छे खासे बंदे बच रहे थे, लेकिन यहाँ पे मैंने एक बंदे को आराम से नॉक एंड फिनिश कर दिया और दूसरा बंदे में यहाँ पे नॉक पड़ा हुआ है। और अभी तीसरा गाड़ी वाला आ गया तो यहाँ पे इसको मैं मार रहा था तभी मेरी रिलोड आ गई और टीममेट ने इसका फ़ायदा उठा करके किल चोरी कर लिया मेरी। तो यहाँ पे एक जो नॉक वाला बंदा है पहले उसको फिनिश कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे आगे और बंदे ढूंढने के लिए, क्योंकि अभी बंदे पता नहीं कहाँ पे 18 बंदे थे जब उनको मार रखा था मैंने, लेकिन फिर भी बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे थे, इससे मुझे जल्दी जल्दी ढूंढ करके थोड़ी बहुत और किल कर लेनी होगी। तो यहाँ पर मैं आगे आ जाता हूँ और यहाँ पर सामने की तरफ कुछ बंदे दिख रहे थे तो एक को तो मैंने ग्रेनेड से अच्छा खासा डैमेज दिया और यहाँ पर नॉक एंड फिनिश इजीली कर दिया। और दूसरा बंदा मेरे पे रश कर रहा है तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कवर में रह करके खेल रहा था तो इसके पास भी शील्ड नहीं थी तो इसको भी मैं आराम से मार दिया। और अभी लास्ट बंदा इधर का बच रहा है तो इसको भी यहाँ पर मैं इजीली नॉक कर देता हूँ और साथ ही साथ ये फिनिश हो जाता है। तो इनको लूटने के बाद अभी पता चलता है कि टीममेट को नॉक करा है तो अभी चलते उधर, लेकिन उसको जो मारा था टीममेट ने मेरे रैंडम वाले ने उसको भी मार दिया और बस एक लास्ट बंदा अभी बच रहा है सामने की तरफ देखो। और जब मैं इसको मार रहा था अच्छा खासा मैंने उसको डैमेज देने की कोशिश करी लेकिन पता नहीं कि उसको एक भी पड़ी नहीं, जबकि वहीं पे उन लोगों का जो भी बंदा वहाँ पे बैठता है क्रेबी में हेड उसी तरफ होता है। और अभी यहाँ पे पता नहीं कि मेरा ध्यान बार बार उस तरफ जा रहा था जो लेफ्ट साइड में जो नकली आयरन मैन शूट होता है उस तरफ मेरा बार बार ध्यान जा रहा था, उसी की वजह से मैं यहाँ पर इसको मार नहीं पाया और टीम मेट ने आराम से उसकी किल ले ली। तो अगर आपको पसंद आया वीडियो से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।